घर में पूरे साल जिसका भी राज चले, एक दिन ऐसा होता है जब हर चीज बच्चों की पसंद की होती है, और वो दिन है उनके जन्मदिन का। इस दिन बच्चों की फरमाइश होती है कि उनका मनपसंद केक बनाया जाए, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मस्ती के साथ मना सके। इस हफ्ते बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे आ रहा है, तो आज का खाना खजाना सभी छोटे बड़े नटखट बच्चों के नाम। खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा किड स्पेशल है। बच्चों को खाने में व्यस्त करना बहुत ही मुश्किल है, चाहे वो खाना बनाना हो या खाना खाना। वैसे उनसे ये सब चीज़ें करवा लें, आप पूरा दिन उनको खेलने के लिए कहें तो खेलते रहेंगे, पढ़ने के लिए कहें, वैसे तो आजकल बच्चे पढ़ते भी बहुत हैं, लेकिन इस तरह के काम में हमेशा बहुत ही मस्त हो जाते हैं। आज देखते हैं कि क्या बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या बनता है क्या नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बच्चों को थोड़ा सा जान लेता हूँ, और जब तक बच्चों को जानूँ आप छोटा सा ब्रेक लें। बच्चों की मम्मियाँ तो मना करती हैं चॉकलेट खाना, लेकिन बर्थडे के ऊपर केक कोई मना नहीं करता। और घर में केक बनाना हो तो थोड़ा सा मुश्किल है, आसान कैसे किया जा सकता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं मिकी माउस बना रहा हूँ। मिकी माउस केक बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप किसी पेपर पर उसको ऐसे रफ सा ड्रॉ कर लें, ये देखिए, जितना बड़ा केक आपने बनाना हो उस हिसाब से। उसके बाद से ये स्पॉन्ज केक यदि आप घर में बनाना चाहें तो घर में बना सकते हैं, लेकिन अगर बड़े साइज का केक है तो उसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा स्पॉन्ज केक बनाना मुश्किल होता है। खैर, अगर इतना बड़ा नहीं बना सकते हैं तो आप दो बारी में इसको बेक कर सकते हैं, चाहें तो चार छोटे केक भी जोड़े जा सकते हैं। आप इस तरह से, आपके पास यदि चार छोटे केक हैं, अगर उन्हें साथ में जोड़ लिया जाए तो एक बड़ा केक तैयार ऐसे हो सकता है। और उसके बाद आप इस तरह से रख लें। रखने के बाद में ये मैंने पहले काटा है, थोड़ा इसे पूरा फिनिश कर देता हूँ। ये जो केक है इसको हम निकाल लेते हैं और बीच में से ऐसे स्लाइस कर लें। एक तेज़ छुरी से इसे स्लाइस करना है हमने। और ये जो केक है इसको स्लाइस करने के बाद आप अंदर क्रीम डाल सकते हैं। क्रीम यानी फ्रेश क्रीम जो है, उसमें चीनी डालकर उसको फेंट लें और उसके बाद इसकी एक लेयर डालें। जो भी केक है उसमें शेप तो इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन शेप के साथ साथ उसका जो टेस्ट है वो भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। केक टेस्टी होना चाहिए, थोड़ा सा जूसी होना चाहिए। ड्राई केक मज़ा नहीं आते हैं। आप इसके ऊपर कुछ जूस डाल सकते हैं, जैसे संतरे का रस हो गया, या अगर कोई रस नहीं है तो थोड़ा सा पानी लेकर उसमें चीनी घोलें, थोड़ा सा नींबू का रस, और उसको छिड़क लें। और ये जो केक है काफ़ी थोड़ा वेट हो जाएगा और अच्छा टेस्ट देगा। देखिए बच्चे कितनी मस्ती से आराम से अपना काम कर रहे हैं और मुझे भी अपना काम करने दे रहे हैं। ये इसमें रस डाल देते हैं हम, और इसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी है। इसको हम फ्रेश क्रीम बेस से बना रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि फ्रेश क्रीम आसानी से मिल भी जाती है और थोड़ा सा जो केक है वो लाइट बनता है। इस केक में आप चाहें तो फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इसको जब हमने बीच में से काटा है, आप सिरप डालें और उसके ऊपर चॉप्ड फ्रूट्स डाल सकते हैं और फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। ये जो क्रीम डालें, आप क्रीम को अच्छी तरह से फेंट लें, क्रीम के अंदर चीनी डालें और उसको अच्छी तरह से फेंट लें। थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत के बाद क्रीम फ्लफी हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, और उसके बाद इसको आप फैलाएं। अब ये फेंटी हुई क्रीम है, इसको इसके ऊपर लगाते हैं, और बहुत पतली सी लेयर इस पे हमने लगानी है ये क्रीम। जब तक ये केक तैयार होता है आप क्या करेंगे, आप लें एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर। आज के इस किड स्पेशल में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये जितने बच्चे हैं उन्होंने मुझे बाहर कर दिया है, वो चाहते हैं इस केक को बनाना, और मैं यहाँ पर हूँ और ये केक बनाएंगे। आप लोग केक बनाएंगे? नहीं 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 नहीं, 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 तो आप तो इधर आ जाओ। नहीं, 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 नहीं,
अच्छा चलो मैं बताता हूँ कितना आसान है ये शेप, कितनी आसानी से ये बनाई है। नहीं यू कैन कट दिस, आप लोग ये बना सकते हैं, बना सकते हैं। इसको काट लिया, काटने के लिए मम्मी को कहना या पापा को, पापा को मम्मी को, दोनों को, दोनों को, एक साइड पापा एक साइड मम्मी। अरे आप पापा को बोलेंगे, यस आप पापा को बोलेंगे, मम्मी को, मम्मी को, मम्मी को, आप मम्मी को, मम्मी को। चलो मम्मी, मम्मी को फंसा दिया। अब ये, अब इसमें से ये शेप, पहले थोड़ा सा जैसे ये शेप है सेम साइज है, अब ये कितना डिस्टेंस है ये चेक कर लिया, यहाँ पर इतना, और ये जो स्माइल है, रोता हुआ मिकी माउस तो अच्छा नहीं लगेगा ना, नहीं तो स्माइली वाला चाहिए, तो ये स्माइल, और साइड से कर्व, साइड से कर्व, ओके, मेक द नोज ओवल, यहाँ पे राउंड बनाया तो ओवल कर दें क्या? चलो राउंड बनाने के लिए कितना इजी है ना ये, कैसे इतना सा, अगर इसको उसको अंदर ही डाल दो, इसको अंदर डाल दें नॉट पूरा, थोड़ा सा डालें, डाल दें, ठीक है, फनी नोज हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकाल दूं, अच्छा चलो, मैजिक, ओके, तो यहाँ पर जो है इसको भी ऐसी कर दे फिर, चलो कौन करेगा ये, ओके आप लोग करो, मैं जा रहा हूँ, मेरी छुट्टी हो गई, धीरे धीरे धीरे, दूसरा ध्यान से, ज्यादा नहीं, अरे ये तो केक कहाँ गया, गया बन गया, चलो खैर अब इसकी जो आईज हैं उसको हम इस तरह से कर लेते हैं, आईज बन गई, अब केक पे आइसिंग करनी है, क्या आइसिंग करें, ओहो हो हो हो, होली है, नहीं 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 नहीं, होली नहीं है, क्रीम की होली है, ये जो क्रीम है वही वाली क्रीम है, हाँ कलर डाला है बस, एडिबल कलर्स, वैसे तो खाने में आजकल हम लोग ज़्यादा कलर्स नहीं डालते, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है कलर, जैसे अभी आप इतना सारा पेंटिंग कर रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे, तो ऐसे ही इस पे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, तो बहुत इजी है, तो ये वाला कलर है इसके लिए, इसके लिए ये कहाँ पे डालें, इस इधर साइड्स में, तो यहाँ से ऐसे साथ साथ, और यहाँ पर भी इसके साथ साथ ऐसे ही डालते जाना है, अच्छा ये जो केक है इसको अलग अलग ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं, एक और केक बनाए ऐसा जिसमें आप कुछ करो, आप एक काम करो, आप इधर आ जाओ, इधर इस साइड में, ठीक है, आप इधर आ जाओ, तो केक 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 वन रख दो, जब तक बच्चे ये केक तैयार करते हैं तब तक इनके लिए मैं पॉपकॉर्न तैयार कर देता हूं, और बच्चों ने कहा है कि पॉपकॉर्न उनको बहुत पसंद है, चलिए पॉपकॉर्न के लिए सबसे पहले घर में पॉपकॉर्न बनाना हो तो थोड़ा सा मक्खन, ये जो पॉपकॉर्न मैं बनाने वाला हूं, वैसे तो नॉर्मल पॉपकॉर्न भी बनाए जा सकते हैं लेकिन बच्चों को मीठे वाले पॉपकॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं, कैरमल वाले, कैरमल वाले पॉपकॉर्न बनाने हो तो उसके लिए थोड़ा सा मक्खन, और उसके बाद ब्राउन शुगर, यदि ब्राउन शुगर ना मिले तो आप नॉर्मल जो चीनी है उससे भी इसको बना सकते हैं, और ये कैरमल तैयार हो गया है, इसको बहुत ज़्यादा कैरमलाइज ना करें, चलिए देखते हैं, और अब इसको ढक के हम रख देते हैं, ऊपर से बंद नहीं करेंगे, और बच्चों को मसाले वाले चाहिए, नहीं मसाले वाले नहीं चाहिए ना, टोमेटो, हाँ टोमेटो, टोमेटो एंड प्लेन, राइट, ओके, तो इसको हम माइक्रोवेव में पका लेते हैं, कॉर्न के दाने, आप चाहें तो थोड़ा सा मक्खन भी इसके अंदर डाल सकते हैं, और इसके बाद
इसको हम कवर कर लेते हैं, इसको हम माइक्रोवेव में रख देते हैं। अब ये जो कॉर्न है आप देख रहे हैं, इसमें कैरेमल लगा हुआ है, इसका जो रंग है वो कितना अच्छा है और ये फूट भी चुके हैं। और इसके अंदर जो प्लेन वाले हैं उसको हम देख लेते हैं, ये भी फूट गए हैं। ये तो प्लेन पॉपकॉर्न है, आपको मसाले वाले चाहिए तो मसाला इसके ऊपर छिड़क सकते हैं, मक्खन चाहिए तो मक्खन इसके अंदर ज़्यादा डालें, नहीं तो आप इसके ऊपर टोमेटो पाउडर भी डाल सकते हैं, जैसा अक्षिता को पसंद है। ये देखिए ये टोमेटो पाउडर है, बाज़ार में आसानी से नहीं मिलता लेकिन मिल ज़रूर जाता है। चीज़ पाउडर भी बाज़ार में मिलता है, इसके ऊपर चीज़ का पाउडर डालें। ये देखिए उस केस में नमक बहुत थोड़ा डालना पड़ता है क्योंकि काफ़ी नमकीन होता है। खैर ये पॉपकॉर्न है, थोड़े से हैं, थोड़े थोड़े खा सकते हैं। आप लोगों का केक रेडी हो गया? अभी नहीं हुआ। चलिए जब तक ये बच्चे केक तैयार करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ ये बड़ा सा स्पॉन्ज केक कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको चाहिए 30 अंडे, 900 ग्राम चीनी, 750 ग्राम मैदा, 150 ग्राम कॉर्नफ्लावर, 15 ग्राम बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक। मैदे में बेकिंग पाउडर और नमक डालकर इसे छान लें। अंडों को एक एक करके तोड़ लें और अब सभी अंडों को एक बड़े ब्लेंडर या मिक्सर में डालें और इसमें चीनी डालकर इसे अच्छी तरह से फेंट लें जब तक इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए। अब इसमें धीरे धीरे करके मैदे के मिक्सचर को फोल्ड करें, इसके अंदर वेनिला एसेंस डालें। इस तैयार किए गए केक के बैटर को एक बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर लगाकर उसके अंदर डालें और ओवन को प्री हीट कर लें 220 डिग्री सेल्सियस पर। और अब इस बैटर को 25 मिनट तक प्री हीटेड ओवन के अंदर पकाएं और थोड़ी देर ठंडा कर लें और उसके बाद सजाने के लिए इस्तेमाल करें। बच्चों ने केक तैयार कर लिया है, एक और केक हमने तैयार करके रखा हुआ है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। बच्चे खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत मजा आया नहीं? चलो केक ले आते हैं, केक काटते हैं। केक इधर लेके आओ ध्यान से। अरे कितना बड़ा केक है, वाह नाइस। हाँ वाह ओके। केक काटने से पहले क्या करते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। जोर से हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार फिर हैप्पी बर्थडे टू यू। आप भी साथ में गाएं हैप्पी बर्थडे डियर खाना खजाना। मिकी माउस केक के लिए चाहिए एक बड़ा स्पॉन्ज केक करीब 1.5 फुट बाय 1.5 फुट का, आइसिंग के लिए 3 कप फ्रेश क्रीम, 1.25 कप चीनी और कुछ बूंदे एडिबल फूड कलर्स की, सजाने के लिए 1 कप शुगर कोटेड चॉकलेट्स, 1/2 कप बादाम, 1/2 कप काजू और 1/2 कप किशमिश, शुगर सिरप के लिए 1/4 कप चीनी, 1/2 कप पानी और 1/2 बड़ा चम्मच नींबू का रस। मिकी माउस केक बनाने के लिए सबसे पहले स्पॉन्ज केक के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखकर मिकी माउस के आकार में काट लें और चीनी में पानी और नींबू का रस घोल लें। क्रीम में चीनी मिलाकर इसे अच्छी तरह से फेंट लें। केक को बीच में से काट कर इसमें चीनी का मिक्सचर और फ्रेश क्रीम को अच्छी तरह से फैला लें और इसके बाद केक की लेयर ऊपर रखें और इसके ऊपर भी चीनी का पानी डालें और थोड़ी सी क्रीम की लेयर इसके ऊपर लगा दें। अब चम्मच या छुरी की सहायता से नाक, आंखें और होंठ बनाएं और फेंटी हुई क्रीम में इच्छा अनुसार रंग डालकर इसे पाइपिंग बैग के अंदर डालें और स्टार नोजल लगाकर केक के ऊपर सजाएं। केक के ऊपर अपनी इच्छा अनुसार शुगर कोटेड चॉकलेट्स, काजू, बादाम और किशमिश लगाकर केक को अच्छी तरह से सजाएं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए 1 कप सूखे भुट्टे के दाने, 3 बड़े चम्मच मक्खन, 3/4 कप ब्राउन शुगर, 1 बड़ा चम्मच चीज़ पाउडर, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। कैरमल पॉपकॉर्न के लिए एक प्रेशर कुकर में मक्खन लेकर इसमें ब्राउन शुगर डालें और इसे हल्का सा कैरमलाइज कर लें। इसमें भुट्टे के दाने डालकर प्रेशर कुकर को ढककर बिना सीटी लगाए करीब 6 से 8 मिनट तक पकाएं और कैरमल पॉपकॉर्न तैयार। मसालेदार माइक्रोवेव पॉपकॉर्न के लिए एक ग्लास बोल में भुट्टे के दाने लें, इसमें मक्खन डालकर मिलाएं और इसके ऊपर क्लिंग फिल्म लगाकर इसे कवर कर लें और माइक्रो हाई पर 3 से 4 मिनट तक पकाएं। जब कॉर्न के दाने पूरी तरह से फूट जाएं, तब इसे बाहर निकालकर इसमें टोमेटो पाउडर या चीज पाउडर डालकर मिलाकर इसे गर्मा गर्म सर्व करें। वेलकम बैक।
खाना खजाना में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और अभी तो आपने देखा कि मिकी माउस केक बच्चों ने कितना बढ़िया बनाया और उसके साथ पॉपकॉर्न, बहुत मज़ा आया। अब बारी आती है एक ऐसी डिश की जो बहुत आसान है और माएँ बहुत खुश होंगी, वो इसलिए क्योंकि इस डिश में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माएँ बच्चों को खिलाने से डरती हैं। नहीं, माएँ तो नहीं डरती हैं लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं। क्या डिश है चलिए देखते हैं। ये पास्ता से बनी हुई है। अब पास्ता कैसे हेल्दी हो सकता है, इसको हेल्दी बनाएंगे, देखते रहिए। इस डिश के लिए सबसे पहले तो क्योंकि बच्चों का एपिसोड है तो जो पास्ता है वो भी बच्चों के हिसाब से लें। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो पास्ता लिए हुए हैं वो तरह तरह के पास्ता हैं। ये देखिए ये फारफल है, लेकिन बच्चों को आप बोलेंगे ये देखिए बोट आई है, कितनी अच्छी बोट आई है, बच्चे बड़े खुश होते हैं। और ये पेने, ये भी तरह तरह के रंग वाले, उनको बोलिए देखिए कैसे अच्छी छोटी छोटी ट्यूब हैं, आप इसके अंदर कुछ डाल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं ऐसी बातों से। और ये जो है ये अल्फाबेट पास्ता है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए इसे पका लेते हैं। पानी हमने लिया है, ये तरह तरह के पास्ता, ये जो पेने हैं और फरफले हैं ये तो आसानी से मिल जाता है, ये जो स्पेशल शेप हैं थोड़ा सा ढूंढे तो मिल जाएंगी, अगर नहीं मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा उसके पीछे भागे नहीं। और इसके साथ इसमें हम डालेंगे नमक और तेल। ये जो रेसिपी है बहुत आसान है, सिंपल है, बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता और बच्चों को भी पसंद आएगी। अब ये उबलना शुरू हो गया है, पानी इसके अंदर, ये अल्फाबेट पास्ता, ये जो पास्ता है इसको हम एनरिच करेंगे गाजर से। ये जो गाजर है इसको इसके अंदर डालना है। कैसे डालें? अच्छा, बच्चों को अगर जो सब्जियां कटी हुई मिल जाएं किसी चीज़ के अंदर तो ज़रूरी नहीं है कि पसंद आएं, सब बच्चे सारी चीज़ें नहीं खाते हैं तो कभी कभी कुछ छुपा के देना पड़ता है, तो इसलिए इसमें हम डालेंगे गाजर, लेकिन गाजर का प्यूरे बना के। ये जो प्यूरे बनाना है आप गाजर को बॉयल कर लें, छोटे टुकड़ों में काटें और उसके बाद मिक्सर में थोड़ा सा पानी डाल के उसका प्यूरे बना लें। तेल में इसको सौते करना है हमने और इस गाजर के प्यूरे में टमाटो केचप। और अब देखिए ये इसका जो रंग है ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे केचप का रंग हो। इसमें थोड़ा सा नमक और बहुत थोड़ा सा पेपर। बच्चों को अगर मिर्च दिखे ना तो थोड़ी बहुत मिर्चें खा लेते हैं, वो उन्हें मज़ा भी आता है। अब ये जो पास्ता है पक चुका है, इसमें से पानी निकाल देता हूँ मैं। और ये पास्ता, पका हुआ पास्ता इस सॉस के अंदर, इसे टॉस कर लें, इसको आप सर्व करें। अच्छा, बच्चों को एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो प्लेट वगैरह जिसमें सर्व करें वो थोड़ी सी फैंसी हो तो बहुत मज़ा आता है, उनको भी अच्छा लगता है। तो ये फिश शेप्ड है, खैर कोई भी आप शेप की ले सकते हैं। वैसे मेरे घर में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो उनके लिए हमने स्पेशल प्लेट्स बनवाई थी, आजकल बहुत आसानी से बन जाती हैं, जिनके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है। तो अपनी अपनी प्लेट खुद लेते हैं, टेबल पर बैठते हैं और उसी में उनको खाना खाना होता है। और गलती से अगर वो प्लेट चिप हो गई तो एक दिन के अंदर अंदर नई प्लेट चाहिए होती है, तो इसलिए अगर आप बनवा रहे हैं तो कम से कम दो तो बनवाएं। ये फिश प्लेट में पास्ता, गाजर है, लगता टोमेटो केचप जैसा है, वैसे तो टोमेटो केचप भी काफ़ी है। और चाहें तो बच्चों से पूछ लें कि बेटा इसमें चीज़ डालें, अगर वो कहें हाँ तो डालें, नहीं तो उनको ऐसे ही परोसें। बच्चों को क्या, बड़ों को भी अच्छा लगेगा, बहुत सिंपल है, खा के देखें, मिर्चें तीखा जैसा आपको पसंद है वैसा बनाएं। इसके लिए 4 बड़े चम्मच पेने पास्ता, 4 बड़े चम्मच फारफले पास्ता, 4 बड़े चम्मच रंगीन अलग किस्म का पास्ता, 4 बड़े चम्मच अल्फाबेट पास्ता, 2 बड़े चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार, 2 छोटी गाजर प्यूरे की हुई, 1/2 कप टोमेटो केचप, 1/4 छोटा चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर और 1/2 कप ग्रेट किया हुआ चीज। इसे बनाने के लिए एक पैन में पानी लेकर इसमें सभी पास्ता, नमक और तेल डालकर इसे उबाल लें और इसे पकाने पर छान कर अलग रख लें। एक पैन में तेल गरम करें, इसमें गाजर की प्यूरी डालकर इसे कुछ देर तक भूनें, इसमें टमाटो केचप डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
अब इसमें नमक और व्हाइट पेपर पाउडर डालकर थोड़ा मिक्स कर लें। इसमें पका हुआ पास्ता डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और अब एक प्लेट पर निकालकर ऊपर से ग्रेट किया हुआ चीज डालकर इसे सर्व करें।